क्या आप माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल यूज कर रहे हैं? उसमें आपके पास कोई डेटा है जिसको आपने सब्ट्रैक्ट करना है। अब देखें, ये फर्स्ट कॉलम में एक्स वैल्यू है, सेकंड कॉलम में वाई की वैल्यू है, अब थर्ड कॉलम में हमें एक्स माइनस वाई की वैल्यू चाहिए। अब किसी भी रकम को आप माइनस किस तरह करते हैं, सब्ट्रैक्ट किस तरह करते हैं एक्सेल में, सिंपली आपने इक्वल टू डालना है। इक्वल टू के बाद आपने अपनी फर्स्ट वैल्यू को सिलेक्ट करना है, उसके बाद आपने माइनस डालना है, जो कि डैश का ऑप्शन मौजूद होता है आपके पास कीबोर्ड पे, आपने माइनस डालना है। उसके बाद आपने अपनी दूसरी वैल्यू सिलेक्ट करनी है, उसका आपने इंटर करना है। जैसे इंटर किया तो आप देखें जो हमारी वैल्यू वो माइनस हो चुकी है। अब आप जितनी बाकी वैल्यूज हैं उन सबको एक सिंगल क्लिक में आप कैसे माइनस कर सकते हैं, सिंपली आपने जो फर्स्ट वैल्यू माइनस की है उसके पास अपने कीबोर्ड माउस को लेके जाना है और इस तरह नीचे की तरफ आपने ड्रैग करना है। जैसे नीचे की तरफ ड्रैग करेंगे तो आप देखें आपकी जितनी भी वैल्यूज हैं सब की सब माइनस हो चुकी हैं या सब्ट्रैक्ट हो चुकी हैं। तो इस तरह सिंगल क्लिक में आप माइनस कर सकते हैं और उसको नीचे की तरफ ड्रैग करके सारे के सारे डेटा को सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं।